ठंडा लगा था और बादल बादल था तो धूप नहीं लग रही थी, पर अभी थोड़ा सा आ गया है तो धूप लग रही है। सो कैसे हैं आप लोग और क्या कर रहे हैं? फिलहाल मैं तो अभी बाहर हूँ कुछ काम से, तो बस वही। और क्या हो रहा है, सबका कैसा चल रहा है? ऑल क्लियर ना? कल भी मैं बहुत देर तो लाइव था ही, 5 मिनट था कम से कम, मतलब कोई देखता नहीं है ना, घंटा भर मैं अकेले बड़बड़ाते रहता हूँ लगता है। सो इसीलिए ही, पर कोई बात नहीं, सपोर्ट मिलता रहे और मेरे वीडियो चलते रहे और ब्लॉग्स भी धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत धूप लग रही है फिलहाल तो। मेरा तो गर्मी से हाल बेहाल है। आप लोग का हाल कैसा है गर्मी में? क्या आप लोग की भी हालत मेरी तरह है? खराब है और है? देखते हैं। मौसम भी ठीक है, अभी फिर छाँव हो चुका है, फिर धूप आ जाएगा फिलहाल, जैसा भी है बट अभी ठीक है। छाता लेके रखना ही पड़ता है क्योंकि बारिश भी आ सकती है और धूप का भी कुछ अता पता से है नहीं एग्जैक्ट में, तो इसीलिए ही लग गया क्या थोड़ा सा। तो कैसा चल रहा है सबका हाल बेहाल हो रहा है मौसम में, गर्मी के मौसम में? और सर्दी में तो भाई ठीक है, बस वही है, कुछ लोगों को गर्मी पसंद लगती है, कुछ लोगों को सर्दी। मुझे तो ज़्यादातर गर्मी उतना पसंद नहीं लगता है जितना सर्दी लगता है। हाँ मानता हूँ थोड़ा सा ठंड लगती है, लेकिन उसमें धूप में रहने पड़ता है, उसमें धूप सहन करने का भी ताकत रहता है, पर अभी ऐसा है कि धूप सहन नहीं करने वाला हाल है क्योंकि गर्मी में तो वही हाल है, गर्मी में गर्मी सताता बहुत है और मज़ा तो तब आता है जब पेड़ों की छाँव में हो, मतलब पेड़ हो, पेड़ों की छाँव हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और पेड़ों की छाँव नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि इसमें धूप और गर्मी जो होता है ना मिक्स हो जाता है, जिससे सहन कर पाना तो मुश्किल हो जाता है। सो बेहतर तो वही है, पेड़ पौधे होने चाहिए, हर तरफ हरियाली हो, और क्या, हरियाली रहेगा तो और ही बेहतर है, ताकि बाद में कभी कोई जो भी हम लोग के बाद रहेगा वो लोग ना कहे कि हम लोग के उन लोगों ने पेड़ पौधे नहीं लगाए, बर्बाद कर दे या कुछ कर दिए, ऐसा तो ना हो तो ही बेहतर है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और काटना कम करें जितना कर लगाएं, तभी दुनिया रहेगी, नहीं तो ख़त्म ही समझो मतलब, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फिर सांस लेना भी दिक्कत हो जाएगा। अभी तो नहीं लग रहा है पर धीरे धीरे प्रदूषण वातावरण में फैल रहा है ना, तो बेहतर है कि भाई अभी ये समझ जाए, बाकी क्या गारंटी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि कोई नहीं जानता है कि मतलब कैसा होगा कैसा नहीं होगा।